ये हमारे गुरुदेव श्री श्री जोगेंद्र कुंडू जी। नमस्कार दोस्तों, देशवाल ब्लॉक में आपका स्वागत है। और हम आज फतेहाबाद में आए हुए हैं और यहाँ पर जो गेटअप जो लिया है वो हमारा शायद नेगेटिव कैरेक्टर है, मोमडन का कैरेक्टर है और कटारिया साहब थानेदार का कैरेक्टर वो तो है ही रियल में हमारे थानेदार, हमारे बड़े भाई। हाँ जी। और मान साहब हैं वो भी नेगेटिव किरदार, क्योंकि मान साहब की जो पहचान है वो नेगेटिव किरदार से है। तो आज हम फतेहाबाद की ख्वाब लोकेशन पे हम आए हुए हैं और कुछ न कुछ यहाँ से ख्वाब हम लेके जाएंगे, ख्वाब संजोएंगे। तो हम एक दूसरे के थोबड़े को देखकर हंस रहे हैं, कई बार कटारिया साहब को चुन्नी उड़ा देते हैं, लेडीज वाली फीलिंग ले लेते हैं उनके साथ है। और हमारे मान साहब यहाँ पे हैं जी, बड़े राम भाई, देशवाल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो यार। भाई बहुत पुराने कलाकार हैं अपने हरियाणा से, मेरे तो आदर्श हैं, जैसे कि कुंडू सर हो गए, मान सर हो गए। और वो देखो जी वहाँ पे बिल्कुल छिपके बैठे हैं। भाई पुलिस वाला ना था रहना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। हाँ सर आओ एक बार सर, तो जो आप तो रियल में पुलिस वाले हो फिर आप छुपके क्यों रहे हो ये बताओ? छुपके क्यों बैठे हो आराम से? नहीं सर, आपके भाई वहाँ पे खड़े हो गए, देखो कितना अच्छा भाषण देने लग रहे आप यहाँ पे। ये मान इंसान इनका। सर मैं बोल सकता हूँ? बोलिए। अभी मैं आपको रियलिटी की एक सच्चाई बताता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता कि कटारिया साहब हरियाणा पुलिस के पद पे और बहुत ही जिम्मेवारी और ईमानदारी के साथ, कई साल हो गए कटारिया साहब जॉब करते हैं? 30 साल। 30 साल से जॉब कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी बात है कि हरियाणवी संस्कृति के लिए वो वक्त निकाल के और ये सोचते हैं कि मैं हरियाणवी कल्चर को हमेशा उठाए रखूं। तो मेरे भी सीनियर हैं कटारिया साहब। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं कि एकमात्र हरियाणे का ऐसा कलाकार है जो 4 भाषाओं की फिल्मों में काम करते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सच्चाई सर, जो सच्चाई होगी बात बताई जाएगी ना। ठीक है। और मतलब के बताऊं कि इतने सहनशील, एक और बड़ी बात क्या है कि कोई कलाकार हो या आम जो जरूरतमंद हो उनके लिए आधी रात न कटारिया साहब खड़े पाओ। यह बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कि पुलिस डिपार्टमेंट में होते हो, हालांकि पुलिस वाले हमेशा ही मदद करते हैं, लेकिन इनके अंदर कलाकार भी हो गया, क्योंकि कलाकार थोड़ा सा लचीले स्वभाव का होता है, थोड़ा इमोशनल होता है। एक और कसूती बात, हरियाणवी इंडस्ट्रीज में जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सबसे सुंदर यो मानस है। तो ये तो थोड़ा देखो भगवान का कोई हेर फेर रह गया, नहीं तो कटारिया साहब है ना लेडीज। भाई दोस्तों मैं अभी सीन को, क्योंकि काफी इमोशनल हो गए हैं और यारी दोस्ती की बात यहाँ पे चल पड़ी है, तो मैं अभी आगे की लोकेशन दिखाता हूँ आप लोग। तो हकीकत में मैं आपको बताऊं, सर्व गुण संपन्न सिर्फ हरियाणा के अंदर एक ही आदमी है, अमर कटारिया जी, और जो मेरे आदर्श है, मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे भाई से। हाँ जी सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, देशवाल ब्लॉग के जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी इससे जुड़े हुए इंसान है, मैं सबसे पहले तो उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और देशवाल मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा लड़का है और भाई काफ़ी दिन से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। और कुंडू साहब ने मेरे छोटे भाई हैं, वैसे तो हम साथ काम करते हैं नुलाले कब से, 30-35 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, जब हम छोटे छोटे पढ़ते थे कॉलेज टाइम से जानते हैं दूसरे को। तो भाई ने कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में बता दिया, लेकिन मैं आपको हकीकत है सर, खूब भी हैं आप में, या तो मैं भी कहूँगा आप लोगों की मदद सर कई साल तक रहो, मैं तो देखता हूँ। भाई हरियाणा का कोई ऐसा कलाकार नहीं बच रहा जिसने कटारिया साहब की जरूरत नहीं पड़ी हो, चाहे वो रोल आड़ी हो और चाहे भाई किसी मुसीबत में हुआ, सबको सपोर्ट करे है। सारे की लिस्ट मेरे दुर्गोज में है सर, सब ने पता। तो एक का नाम अपनी कौन सा किस केस में, सुनो कुछ नहीं बताना, अपनी इंडस्ट्री में सब ने पता। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, जितने भी अपने दर्शक है उनको एक बात कहना चाहता हूँ, देखो अगर आपके 100 दोस्त है ना, 100 दोस्त है तो उनको 1000 बनाओ, अगर आपका 1000 दोस्त है, एक भी पुलिस वाला नहीं है ना, तो एक पुलिस वाला दोस्त जरूर बना लिया, क्योंकि पुलिस वाला ने ये समझ लेना आपका आधी रात का कहना होता है। आप के 1000 दोस्त नहीं ये कह सकते हैं भाई मैं तो बिजी हूँ, मैं वहाँ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अगर असली मुसीबत पड़ेगी ना तो आपका पुलिस वाला रात को 3 बजे भी आपका फोन उठाएगा, क्योंकि वो ड्यूटी का पाबंद होता है, वो डिसिप्लिन फॉलोअर्स का इंसान होता है, तो वो
थोड़ा ही मुस्लिम जुड़ा होता है। अभी भाई 21 दिन पहले दीपक कपूर हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी मोटरसाइकिल खो गई थी रोहतक में, ओली आर्ट हॉस्पिटल है दिल्ली बाईपास पर, वहां पर खड़ी थी रोड पे, और कटारिया साहब ने मेहनत इतनी करी अक सारा रोहतक घुमा दिया, जितने भी बदमाश थे ये ठाई गिरे उनके बांगड़ चढ़ा के और मोटरसाइकिल कपूर साहब को कल उनके हाथ पे सुपरत कर दी गई। ये तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, देखो हर शहर में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, आप कोई भी क्राइम करके निकलोगे ना, अगर आप कोशिश करोगे तो उसको पकड़ सकते हो। उसका जरिया है हमने यहाँ की फुटेज उठा ली, उसके बाद तीन रास्ते पार गए, हमने उसकी उठा ली, उसकी उठा, वो बंदा कहीं ना कहीं तो गया, बाइक हम चलते गए, हम उसके पीछे चलते गए। बिल्कुल सर, पुलिस वाले पकड़ सकते हैं। लास्ट में जो बाइक हमने टो दी, बहुत बढ़िया सर, दीपक कपूर जी को वो बाइक मिल गई है, लेकिन हमारी मेहनत कम से कम लगे 7-8 दिन लगी। कोई नहीं, उसमें दीपक कपूर साहब भी मेरे साथ थे, क्योंकि ज्यादातर मैंने उन्होंने ज्यादा कैमरे सीसी कैमरे देखे, लोगों के कैमरे देखे, बहुत बढ़िया। मैं पुलिस में था तो लोगों ने दिखा भी दिए, शायद अगर मैं पुलिस में नहीं होता तो आम आदमी नहीं देखा, नहीं दिखाते सर। तो और जितने भी सीसी कैमरे लगवाते हैं तो मोस्टली अपने गेट पर लगे होते हैं, तो ऐसा भी लगवाओ जो रोड से किसी का नंबर ट्रेस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ना करे आप भी भाई बहन बुजुर्ग नौजवान किसी की गल्ला कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, खासकर अपने हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा में ड्यूटी ज्वाइन हैं कटारिया साहब, आपकी गल्ला कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप कटारिया साहब से संपर्क करें। मन न्यू बेरा है कि यो मानस सर पकड़िए आपकी गल्ला कत्ती न्याय करवाओगा। अगर आप गलती में हैं तो बेशक से मत आना, क्योंकि कटारिया साहब मेहनत और ईमानदारी के नाम से जाने जाते हैं। सर यो देखो मेरा क्या हाल करवा दिया आप लोगों ने, ऐसा है ये है कलाकार, और कलाकार का जो है कला को जो अलग अलग स्वरूप दे, चाहे वो नेगेटिव किरदार हुआ चाहे वो भाई पॉजिटिव है, जिस तरह मेरा मोमडन का कैरेक्टर है इस गाने में, कटारिया साहब का पुलिस डिपार्टमेंट का कैरेक्टर है, तो यो कैदी दिखा रखा है, राजकुमार मान जी है उनका भी मोमडन कैरेक्टर है, तो सबके ये तो किरदार है, कोई गृहस्थी का किरदार, कोई बिजनेसमैन का किरदार, कोई क्या है का, कोई क्या है का, मतलब इस जमीन पे भगवान ने हमारे को उतारा है, तो एज एन हम एक के का रहा वो जो आंगड़ियों से नचाते हैं कठपुतली, हम भगवान ने धरती पे कठपुतली की तरह वो कर दिया और हमारे को दिमाग दिया है अच्छे और बुरे की पहचान करने के लिए, इसलिए अपने भविष्य में अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें, और अगर आप पॉसिबल हैं, अगर आप सक्षम हैं तो अपने किसी साथी की, रिश्तेदारी की, या आपके एरिया में जो भी आपका जरूरतमंद है उसकी मदद करें, आप उसकी मदद करेंगे तो भगवान की लिस्ट में आपका नाम लिखा जाएगा, वो आपने और ऊंचा उठाओगा, तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और अच्छे कर्म करो। तो जी ये थे मेरे गुरुजन, आपने विचार सुन लिए होंगे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा सीन तो हो गया दोस्तों, मैं भाग्यशाली था जो सबसे पहला मेरा सीन आ गया, अभी 12:02 गए सर, मेरा सीन खत्म हो गया, कर चुके हूँ अभी आप लोगों का है, आप लोग तैयार हो? हाँ लोग तो ठीक है दोस्तों, राम राम। आज के ब्लॉग में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो दोस्तों, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, राम राम सभी दोस्तों को। और हमारे कटारिया सर लाइव हैं। भाई काफी क्राउड है, इस तरह के सीन हमने बाजार में करने पड़े हैं। देखो भाई इस तरफ आ जाओ, एक बार इस तरफ आ जाओ भाई सारे, भाई काफी भीड़ है, पुलिस भी बुलानी पड़ रही है यहाँ पे।